हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इंडिकेटर के सिस्टम के ऊपर, ठीक है। मतलब हाजार्ड स्विच। देखिए, हाजार्ड स्विच अगर आपके पास नहीं है तो ये जो दो स्टेप का पुश पुल स्विच होता है डबल स्लॉट का, इसको हाजार्ड स्विच के लिए कैसे इस्तेमाल करें, और इसको समझाने के लिए मैं, देखिए यहाँ पर दो बैटरी है, ठीक है। 24 वोल्ट का ये फ्लाशर भी है, और दो बैटरी है, एक फ्लाशर है। ये फ्लाशर का कनेक्शन के लिए मैं लाया हूँ, और ठीक है, और यहाँ पे दो लाइट है, और इसको कनेक्शन करेंगे। और हैजर्ड देखिए, एक हो जाएगा राइट साइड का और एक हो जाएगा लेफ्ट साइड का इंडिकेटर के लिए, और इसी को कनेक्शन करेंगे कि ये हैजर्ड स्विच का सिस्टम कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे दो वायर है बैटरी का, तो ये जो है ना, ये पॉजिटिव वायर है। तो हमें पॉजिटिव कहाँ देना है, पॉजिटिव देना है फ्लाशर में। तो फ्लाशर में देखिए, फ्लाशर ये 3 पिन का है, ठीक है। अगर आपको 4 पिन का देखना है, या इसका कनेक्शन, या इसका वायरिंग डायग्राम, या BS4 में क्या सिस्टम है, या BS3 में क्या सिस्टम है इंडिकेटर लाइट के लिए, हाजर्ड स्विच कैसे काम करता है जो BS4 गाड़ी में लगा होता है, ये सारा चीज़ पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। आप चाहिए अगर वो वीडियो तो आपको, तो मेरे चैनल में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये B लिखा हुआ है, उसके नीचे प्लस का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है। देखिए, B यानी B फॉर बैटरी, E फॉर अर्थ, और L फॉर लाइट, यानी इसमें बैटरी का पॉजिटिव देना है, इसमें अर्थ देना है, और ये जो वायर होगा ये डायरेक्ट चला जाएगा लाइट के पास। तो फ्रेंड्स, ये है बैटरी का पॉजिटिव, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। और ये है बैटरी का पॉजिटिव देना है हमको, ब्लैक कलर का जो वायर है इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें दे देते हैं ग्राउंड पॉजिटिव, सॉरी, इसमें ये पॉजिटिव हम दे दिए। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है अर्थ, यानी ये ब्लू कलर का जो वायर है इसमें देना है अर्थ। तो अर्थ जो है, ये है अर्थ का वायर, और इसमें हम इसको कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव और निगेटिव मिल गया फ्लाशर को। अब ये जो है, ये इसका आउटपुट पिन है, तो ये हमें देना है यहाँ पे। तो इसको हम सबसे पहले इसमें एक टेप कर देते हैं, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा आपस में अगर टच हो जाए। ये है आउटपुट, ठीक है, ये है आउटपुट इसका वायर, और इसको देना है हमें इस पिन में। इस स्विच के ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोड है कि ये स्विच कैसे काम करता है, किस स्लॉट में रखिएगा तो कहाँ किस पिन से करंट निकालेगा, ये सारा कुछ उस वीडियो में बताया गया है, वहाँ से आप चैनल में जा कर के देख सकते हैं, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये R और L जो लिखा हुआ है, इसमें हम पहला अगर स्टेप ऑन करते हैं तो ये दोनों में इसका कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इसका जो दोनों लाइट है, लेफ्ट और राइट, ये दोनों का कनेक्शन इससे कर देंगे। और ये जो है, लेफ्ट और राइट दोनों का कनेक्शन इसमें कर देना है। ठीक है, ये दोनों लाइट का कनेक्शन हो गया, ये जो स्विच है इससे, ठीक है। और ये जो दो वायर है, ये दोनों ग्राउंड का है, ठीक है, इसमें दोनों में ग्राउंड देना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये वायर है ग्राउंड का, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कनेक्शन कर देंगे ग्राउंड का, जैसे हमने यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है फ्लाशर को, ठीक है, उसी से हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। यहाँ देखिए, ये मिल गया इसको ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, और ये हमारा स्विच है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे के स्विच को ऑन कर रहा है, ठीक है। देखिए, पहला स्टेप हम स्विच को ऑन करेंगे, देखिए ये दोनों साइड का, लेफ्ट और राइट दोनों साइड का इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए, इतना ही सिर्फ करने से नहीं होगा, जब आप गाड़ी में सेट कीजिएगा तो बता दे रहा हूँ कि देखिए, फ्लाशर और जो इंडिकेटर लाइट का जो सिस्टम है, ये गाड़ी में क्या इसका सिस्टम होता है कि आप अगर इग्निशन स्विच ऑफ करके और हैजर्ड स्विच को ऑन करते हैं, यानी 4 इंडिकेटर का स्विच को आप ऑन करते हैं, अगर चाबी ऑफ है फिर भी ये दोनों लाइट ऑन हो जाता है, यानी 4 इंडिकेटर आपका चालू हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वायरिंग है ना, इसके बीच में 2 रिले लगाना पड़ेगा 4 पिन का, ठीक है। अगर आप 4 पिन रिले नहीं लगाइएगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एक और रिले लगाना पड़ेगा 5 पिन का, जिसमें
उसका कनेक्शन एक बैटरी का डायरेक्ट मेन और एक इग्निशियन स्विच का मेन, ये दोनों उसमें कनेक्शन रहता है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि बिना चाबी ऑन किए हैजार्ड स्विच कैसे जलता है, यानी हैजार्ड यानी फोर इंडिकेटर का जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है बिना इग्निशन स्विच ऑफ किए, तो उस पर भी मेरा वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक 5-पिन रिले आप अगर यूज़ करते हैं तो ये ऐसा काम करेगा कि आप अगर इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तब भी आपका हैजार्ड स्विच काम करेगा, और इग्निशन स्विच ऑफ है तब भी आपका हैजार्ड स्विच काम करेगा। ये जो स्विच है अगर ऐसा इसको सेट किया जाए, एक बीच में 5-पिन रिले आपको लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसा वीडियो भी अगर देखना चाहते हैं कि ये अभी मैं अगर इसके बीच में एक 5-पिन रिले लगा दूं तो उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन एक बोर्ड पे मैंने एक डायग्राम बनाया है और दिखाया हूं उसमें कि स्विच लगा करके उसमें एक 5-पिन रिले लगाने से क्या होगा कि इग्निशन स्विच ऑफ करके अगर आप ऑन करते हैं हैजार्ड स्विच तब आपका 4 इंडिकेटर लाइट जलेगा। तो वो वीडियो देख करके आप समझ जाइएगा, लेकिन अगर आप कहिएगा कि प्रैक्टिकल वीडियो बनाने के लिए तो कमेंट कीजिए, हम बना देंगे, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है इसलिए कि बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि जो डबल स्लॉट का पुश पुल स्विच है उसको हम इंडिकेटर यानी 4 इंडिकेटर का जो स्विच होता है उसके काम में कैसे लाएं। तो ये एक बस छोटा सा एक वीडियो है उसके लिए कि 4 इंडिकेटर के लिए आप डबल स्लॉट का जो स्विच होता है पुश पुल उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और मेरे चैनल में जाइएगा तो आपको हर चीज़ पे वीडियो मिलेगा, वो BS3 हो या BS4 हो, हेडलाइट, इंडिकेटर लाइट, पार्किंग लाइट, हैजार्ड स्विच या फॉग लाइट का स्विच या वाइपर कंट्रोलर या ये 3-पिन फ्लासर 4-पिन फ्लासर या कोई भी वायरिंग डायग्राम में स्विच आपका ABS का स्विच हो या कोई भी रिले हो, जो भी चाहिए वो कोई सेंसर हो या कोई भी चीज़, सब चीज़ पे ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोड है। मैंने उसको डायग्राम बनाया हूँ बोर्ड पे, वो भी वीडियो है, और जो प्रैक्टिकल में है वो भी वीडियो है, ठीक है। हर चीज़ पे ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोड है, आप मेरे चैनल में जाइए वहाँ से आप देखिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।